पहली बार सोनिया के खिलाफ बीजेपी ने लगाया घोटाले का आरोप, कहा यूपीए के वक्त राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा। कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी का संगीन आरोप, कहा यूपीए के वक्त प्रधानमंत्री राहत कोष में भी थी सोनिया और राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी। गांधी परिवार पर बीजेपी का आरोप, कहा कांग्रेस के शाही राजवंश ने अपने लाभ के लिए अनियंत्रित लूट की। ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था, एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा चीन से तनाव के बीच कांग्रेस पर हमले करके देश को उलझा रही है सरकार। ऐसे कागज हम नहीं निकाल सकते, इन कागजों का क्या महत्व है? देश की सीमाओं पर चीन की सेना खड़ी है, भीतर आ रही है, और जेपी नड्डा हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सुबह से शाम तक कांग्रेस से लड़ना चाहते। एलएसी मसले को लेकर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, पीएम और विदेश मंत्रालय के बयानों में विरोधाभास। चीन को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला जारी, वीडियो संदेश में पूछा अगर घुसपैठ नहीं तो 20 जवानों की शहादत कैसे हुई? हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? चीन से तनातनी के बीच लद्दाख में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भरी हुंकार, एयरफोर्स और आर्मी का संयुक्त अभ्यास। दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर सरहद पर एक्सरसाइज, मालवाहक विमान, फाइटर और हेलीकॉप्टर भी शामिल। एलएसी के करीब संचार के काम में भी तेजी, 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टार लगाने की योजना तैयार। लद्दाख में सड़क निर्माण के काम भी युद्ध स्तर पर पूरा करने की तैयारी, झारखंड से बुलाए गए करीब 11,000 मजदूर। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी मेड इन चाइना की जंग, बीजेपी की मांग दिल्ली सरकार सीसीटीवी लगाने के लिए रद्द करे चाइनीज कंपनी का ठेका। देश भर में जारी है चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग, जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। देश में जारी है कोरोना का कोहराम, पिछले 24 घंटे में आए 17,000 से ज्यादा नए मामले, 4,90,000 के पार कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 407 लोगों की मौत, अब तक 15,301 लोगों की जान ले चुका है वायरस। पीएम मोदी ने बताई कोरोना की सबसे जरूरी दवा, कहा दो गज की दूरी से ही हारेगा वायरस। दो गज की दूरी ये दवाई है, मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,841 नए मामले, 1,47,000 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 7,000 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,390 नए केस, 73,780 तक हुआ कुल आंकड़ा, अब तक 2,429 लोगों की मौत। दिल्ली के सीएम ने किया हालात काबू में होने का दावा, बोले किसी को घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में जितने लोगों को कोरोना हो रहा है वो माइल्ड कोरोना हो रहा है, हल्का कोरोना हो रहा है, कोरोना होता है वो ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की कम लोगों को जरूरत पड़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीती कोरोना से जंग, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग भवन में 10,000 से ज्यादा बेड का कोविड सेंटर तैयार, आईटीबीपी संभालेगी कमान। दिल्ली के सभी इलाकों में जोरों से चल रही है डोर टू डोर स्क्रीनिंग, 6 जुलाई तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज। पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत, यूपी में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। रोजगार पाने वालों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बातचीत, लॉकडाउन के दौरान देश भर से करीब 35,00,000 मजदूर लौटे हैं यूपी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान पर विपक्ष का निशाना, कांग्रेस ने 1 करोड़ रोजगार के दावे पर उठाए सवाल। लगातार 20वें दिन महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल के दाम दिल्ली में 80 के पार, शुक्रवार को डीजल 17 पैसे, पेट्रोल 21 पैसे लीटर हुआ महंगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बरसी पुलिस की लाठी, तेल की महंगाई के खिलाफ विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। कानपुर में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ किया हवन।
चंदौली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन, मोटरसाइकिल की शव यात्रा निकाली। प्रयागराज में तेल की महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी, कार को धक्का मारकर जताया विरोध। गुजरात के खेड़ा में डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा। अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन का आवंटन, NH-28 के पास दी गई जमीन। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता रैली, बैंड बाजे के साथ दिया बचाव का संदेश। जोधपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में कोरोना के नियमों की अनदेखी, सीएम के बेटे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की होड़। मुंबई में डब्बा वाला संघ के एक कर्मचारी की कोरोना से मौत, यूनियन ने सरकार से मांगी मदद। लगातार बढ़ रही है योग गुरु रामदेव की मुश्किल, अब झारखंड सरकार ने भी दबाव पर लगाई रोक। 15 जुलाई तक ठप रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, कोरोना संकट को देखते हुए सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में रविवार से खुल जाएंगे सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर, शर्तों के साथ सरकार ने दी इजाजत। अजमेर में आपस में भिड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता, जवानों को श्रद्धांजलि देने के दौरान बवाल। ओडिशा में 13 विपक्षी पार्टियों ने नवीन पटनायक सरकार को घेरा, कोरोना संकट को लेकर हल्ला बोल। बीस जुलाई के बाद शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा, अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हाई अलर्ट, पाकिस्तान की एक एक हरकत पर बीएसएफ की नजर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद। बाइक पर सवार आतंकियों ने चलाई गोलियां, फायरिंग में एक स्थानीय लड़के की भी जान गई। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। दिल्ली में आतंकियों से निपटने की जोरदार तैयारी, सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल करके आंका अपना दम। झज्जर में करंट लगने से 15 साल के लड़के की मौत, आंधी की वजह से टूटा था बिजली का तार। हावड़ा में एक युवक की हत्या, अवैध संबंधों में प्रेमिका ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दिन दहाड़े युवक की हत्या, कार सवार हमलावरों ने चलाई गोली। सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, नहीं हुआ कोई नुकसान। झज्जर में पैसों के विवाद में युवक ने जहर खाकर जान दी, सुसाइड नोट में 6 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में जारी है मानसून के बादलों से आसमानी फुहार, सुबह के वक्त कई इलाकों में हल्की बारिश। 93 तक पहुंची बिहार में तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या, कई मवेशी भी मारे गए। बिहार के सिवान में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिवार वालों ने सरकार से मदद मांगी। बिजली गिरने से जानमाल के नुकसान पर सरकारी मदद को तेजस्वी यादव ने बताया नाकाफी, सीएम ने किया है 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिहार में भी मानसून की बारिश, पटना में जोरदार बरसात ने शहर में जगह जगह भरा पानी। गया में 24 घंटे से लगातार बरसात, घर में करंट फैलने से मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की मौत। यूपी के आसमान में भी मानसून बादलों ने डाला डेरा, चंदौली और आसपास के इलाकों में दिन में छाया अंधेरा। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, घरों के सामने बह रहा दरिया। महाराष्ट्र के शिरडी में तेज हवा और बारिश का कहर, गिर गया साई मंदिर के गेट पर बना अस्थाई पंडाल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की जोरदार बारिश, शाजापुर में गेहूं की फसल को नुकसान। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन, हाईवे पर टूटकर गिरा पहाड़। गुवाहाटी में भी लगातार बारिश से भूस्खलन, मलबे की चपेट में आकर महिला समेत 2 लोगों की मौत। 329 अंकों की बढ़त के साथ 35,171 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 94 पॉइंट बढ़कर 10,383 पर बंद। कलर ब्लाइंड्स को कार बाइक चलाने के लिए मिलेगा लाइसेंस, डीएल जारी करने के नियमों में बदलाव के बाद मुमकिन। 2019-20 में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 18 लाख घटकर 95 लाख हुई, एसबीआई रिपोर्ट का दावा, एक साल पहले 1.12 करोड़ था। ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को 8.65 से घटा सकता है ईपीएफओ, ऑडिट कमेटी की बैठक में होगा फैसला। एयरलाइंस को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अब बीच की सीट खाली रखने की नहीं होगी जरूरत। 33% क्षमता के साथ उड़ान भर रही है एयरलाइंस, बड़े शहरों से छोटे शहरों को जाने वालों की तरफ ज्यादा मांग। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बेंगलुरु 26वें स्थान पर, भारत के अकेले शहर को मिली जगह। वैश्विक आर्थिक सुस्ती जारी रहने पर मौजूदा कारोबारी साल में 10-12% घट सकता है देश का निर्यात, FIEO ने जताई आशंका। स्विस बैंक में भारत से जमा होने वाले पैसों में आई 6% की गिरावट, 2019 में घटकर कुल 6,625 करोड़ रुपए रह गए।
यस बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलेट यूआ पे, बिजली पानी बिल के भुगतान समेत डीटीएच भी कर सकेंगे रिचार्ज। 27 जून तक चलेगी फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल, ओप्पो वीवो रियलमी आईफोन वगैरह पर भारी डिस्काउंट। हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू ने बनाए सफलता के नए रिकॉर्ड, पिछले साल लॉन्च से अब तक 1,00,000 गाड़ियों की बिक्री। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा कोरोना, 97,00,000 हुई मरीजों की संख्या, 4,92,000 से ज्यादा की मौत। तेजी से फैल रहे संक्रमण के बीच WHO की चेतावनी, कहा अब अस्पतालों में खड़ा हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का संकट। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 25,00,000 के पार, 1,26,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में 6 जुलाई से लॉकडाउन में ढील के तीसरे चरण की शुरुआत, खुल जाएंगे एथलेटिक सेंटर और टेनिस कोर्ट। अमेरिका के टेक्सास में फिलहाल जारी रहेगा पाबंदियों का दौर, कोरोना की सुपर स्पीड को देखते हुए गवर्नर का फैसला। ब्राजील में 12,34,000 के करीब हुई मरीजों की संख्या, 55,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। ब्राजील के साओ पाउलो में गैर सरकारी संगठन ने 1,000 से ज्यादा बच्चों को बांटे मास्क और किट, महामारी से बचाने के उपाय बताए। ब्रिटेन में समंदर तटों पर जमा हो रही है लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए बजाए जा रहे अलार्म। बोलिविया में कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं कोविड एंजल्स, सांता क्रूज के एक मैदान में बनाया अस्थायी अस्पताल। कोरोना वायरस का कहर थमने के बाद मोरक्को में खोल दिए गए कैफे और रेस्टोरेंट, हेयर सैलून भी खुले। बेल्जियम में क्वारंटीन किया गया एक ऑयल टैंकर, आधे से ज्यादा क्रू मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टेस्ट। टेक्सास में कोरोना संकट के बीच एक महिला ने मनाया सौवां जन्मदिन, कांच की दीवार के बाहर खड़े होकर रिश्तेदारों ने दी बधाई। कोरोना संकट के बीच लेबनान में जारी है बवाल, बेरूत में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेरने की कोशिश की। रूस के संविधान में बदलाव के लिए 1 जुलाई को डालेंगे वोट, विपक्ष ने राष्ट्रपति पुतिन के इरादों पर उठाए सवाल। उत्तर कोरिया से तनातनी के बीच दक्षिण कोरिया में कोरियाई युद्ध के 70 साल पूरे होने पर जश्न, कई शहरों में कार्यक्रम। अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ अब भी जारी है कोहराम, न्यूयॉर्क में पुलिस के फंड में कमी को लेकर विरोध। मेक्सिको में ड्रग माफिया के दो गुटों में भिड़ंत, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 16 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली 2023 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी, दोनों देशों में खुशी की लहर। चीन के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात, 1,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। साइबेरिया में रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, सुलग रही है चीड़ की जंगलें।